हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है सीड। ठीक है, ए सीड इज ए राइप एंड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। एक ओव्यूल जब राइप कर जाता है, फर्टिलाइज कर जाता है, या फिर यूं कहें कि वो जब एक ओव्यूल मैच्योर कर जाता है, तब वह एक सीड का निर्माण करता है। ठीक है, और कोई भी सीड होगा तो उसके सराउंडिंग यानी कोई भी सीड जो है वह एक लेयर से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, जिसे हम लोग सीड कोट कहते हैं। ठीक है, ये सीड कोट दो लेयर का होता है। ठीक है, इसमें हमारा इनर लेयर जो है वो हमारा टेगमेंट और आउटर लेयर टेस्ला कहलाता है। ये टेस्ला वो नहीं हमारा जो मतलब टेस्ला कंपनी की कार होती है, ये टेस्ला हमारा अलग है। ठीक है, सीड्स का जो आउटर लेयर होता है उसे हम लोग टेस्ला कहते हैं और इनर लेयर को टेगमेंट, और दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे, सीड कोट कहेंगे। ठीक है, और किसी भी जो हमारा सीड होगा उसमें रेडिकल और प्लीनियल पाया जाएगा। आप लोग जानते ही होंगे कि रेडिकल ग्रो होकर के किसका, हमारे रूट का निर्माण करता है, और जो प्लीम्यूल होते हैं वो ग्रो करके हमारा सूट का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जो हमारे सीड्स होंगे उसमें कोटाइलेडन्स पाए जाएंगे, या तो किसी भी सीड में एक कोटाइलेडन होगा या फिर दो कोटाइलेडन होगा, और कोटोलाइडन के नंबर के आधार पर हम लोग सीड को दो भागों में बांटते हैं, मोनोकोटाइलेडन और डाइकोटाइलेडन। ठीक है, जिसमें एक कोटाइलेडन पाया जाता हो उसे मोनोकोटाइलेडन, और जिसमें दो कोटाइलेडन पाया जाता हो उसे डाइकोटाइलेडन। ठीक है, तो हम लोग मोनोकोटाइलेडन और डाइकोटाइलेडन को तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एक और सीड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में टोटल तीन सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डाइकोटाइलेडन, मोनोकोटाइलेडन और पेरिस्पर्मिक सीड। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं पहले मोनोकोटाइलेडन सीड को। ये है हमारे मोनोकोटाइलेडन का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, मोनोकोटाइलेडन सीड्स जो होते हैं उसमें उसका जो हमारा फुटबॉल यानी पेरिकार्प होता है वो सीड कोट के साथ फ्यूज हो जाता है। ठीक है, और इस मोनोकोटाइलेडन सीड्स के अंदर, ठीक है, एक बड़े भाग में एंडोस्पर्म पाया जाता है। ठीक है, एक बड़े भाग में, ठीक है, क्या पाया जाएगा, एंडोस्पर्म। और ये जो हमारा मोनोकोटाइलेडन सीड में एंडोस्पर्म पाया जाता है ना, ये हमारे फूड स्टोरेज का कार्य करता है। यानी मोनोकोटाइलेडन सीड्स के अंदर फूड स्टोर कौन करता है, हमारा एंडोस्पर्म। ठीक है, और जिस भी सीड के अंदर, ठीक है, जिस सीड के अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता हो उसे हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। यानी मोनोकोटाइलेडन सीड का एक और नाम हो गया क्या, एंडोस्पर्मिक सीड, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म पाया जा रहा है। लेकिन सभी प्रकार के सीड मोनोकोटाइलेडन सीड में एंडोस्पर्म नहीं पाए जाते हैं, उसका एक एक्सेप्शन है, वो है हमारा ऑर्किड। ठीक है, ऑर्किड एक हमारा मोनोकोटाइलेडनस प्लांट तो है, मोनोकोटाइलेडन सीड तो उसमें होते हैं, लेकिन उसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो हमारा एंडोस्पर्म है ये बाहर से एक लेयर के द्वारा घिरा हुआ रहता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं एल्यूरोन लेयर। ठीक है, एल्यूरोन, आप लोग एल्यू शब्द जहां भी आएगा उसका मतलब होता है प्रोटीन। यानी ये जो एंडोस्पर्म होता है वो बाहर से एक प्रोटीन नामक लेयर से घिरा हुआ रहता है, प्रोटीन लेयर से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, और इसके अंदर एक हमारा स्टार्सी होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर बात किया जाए एल्यूरोन लेयर के। ठीक है, और जो कोटाइलेडन होते हैं वो एक छोटे भाग में होते हैं, यानी ये बड़े भाग में हमारा एंडोस्पर्म और छोटे भाग में हमारा क्या पाया जाएगा, कोटाइलेडन। और कोटाइलेडन और एंडोस्पर्म को जो दो भागों में बांटता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्या, एपिथेलियम या एपिथेलियल लेयर। ठीक है, ये एपिथेलियल लेयर क्या करता है कि एंडोस्पर्म और कोटाइलेडन को दो भागों में बांटता है। ये दोनों को दो भागों में नहीं बांटेगा, दोनों को अलग अलग सेपरेट करता है। ठीक है, और ये जो हमारा कोटाइलेडन है एक स्पेशल कोटाइलेडन होता है जिसका हम लोग नाम देते हैं सील शेप। ठीक है, यह कोटाइलेडन सील शेप का होता है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं क्या, एस्क्यूटेलम। ठीक है, इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, एस्क्यूटेलम। एस्क्यूटेलम एक कोटाइलेडन होता है जो कि सील शेप का होता है। आपकी एग्जाम में अगर बात की जाए नीट एग्जाम की, तो इसमें बहुत बार ही क्वेश्चन आया है एस्क्यूटेलम के बारे में। ज्यादा कुछ नहीं आता, बस नहीं आता है कि एस्क्यूटेलम जो है एक सील शेप का होता है जो किसमें पाया जाता है, मोनोकोटाइलेडन सीड में पाया जाता है, बस और कुछ नहीं, इतना ही कोई हमेशा घुमा फिरा कर देते रहता है एग्जाम में। ठीक है, और अगर बात की जाए तो देखिए, अगर मान लिया जाए ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, सही, सभी सीड्स में एम्ब्रियोनल एक्सिस तो होगा ही, तो इस ये हमारे एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है,
ठीक है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो ऊपरी भाग होगा उसमें हमारा पाया जाता है प्लेम्यूल, और जो नीचे वाला भाग होगा वहां हमारा पाया जाता है रेडिकल। ठीक है, और ये रेडिकल और प्रिम्यूल जो है दोनों ही एक सीध लाइक स्ट्रक्चर से कवर होते हैं। ठीक है, और जिस स्ट्रक्चर से रेडिकल कवर होता है, जिस सीध से रेडिकल कवर होता है उसका हम लोग नाम देते हैं कोलियोराइजा, और जिससे हमारा प्रिम्यूल कवर होता है उसका हम लोग नाम देते हैं कोलियोप्टाइल। ठीक है, हम अब लोग इसे याद कैसे रखेंगे, तो देखिए रेडिकल में भी आर आ रहा है और कोलियोराइजा में भी आर आ रहा है, प्रिम्यूल में पी आ रहा है, कोलियोप्टाइल में हमारा पी आ रहा है। तो इन सब चीजों को हमें याद रखना है। इसका ट्रिक मैंने बता दिया, प्लीम्यूल जिस स्ट्रक्चर से घिरा हुआ रहेगा उसका नाम क्या होगा, कोलियोप्टाइल, और कोलियोराइजा जिस स्ट्रक्चर से घिरा हुआ रहेगा उसका नाम क्या होगा, रेडिकल। ठीक है, या अगर बात की जाए इस पूरे मोनोकोटाइलेडन सीड की, तो इसमें हम लोग तीन बातों को मेनली आपको ध्यान रखना है, कौन सा, इसका एक्सेप्शन हमारा ऑर्किड, ठीक है, और यह एल्यूरल लेयर का तो बना हुआ होता है ये एंडोस्पर्म, और इसमें एक एस्क्यूटेलम। ठीक है, ये बहुत बार आया है कि इसका जो हमारा बाहरी, सॉरी, इसमें जो कोटाइलेडन होता है वो सील शेप का होता है, उसका नाम क्या है, तो एस्क्यूटेलम। ठीक है, और जो प्रिम्यूल होता है वो किससे घिरा हुआ रहता है, कोलियोप्टाइल से, रेडिकल किससे घिरा हुआ रहता है, कोलियोराइजा से। ठीक है, और आप लोग तो जानते हैं रेडिकल ग्रो करके रूट का निर्माण करता है, और प्रिम्यूल जो है वो ग्रो करके किसका, शूट का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये था हमारा मोनोकोटाइलेडन सीड के बारे में। अब हम लोग जानते हैं डाइकोटाइलेडन सीड्स को। डाइकोटाइलेडन सीड्स का मतलब हुआ कि इसमें कोटाइलेडन्स की संख्या कितनी होगी, दो होगी। तो डाइकोटाइलेडन सीड को समझने के लिए हम लोग लेते हैं ग्राम सीड का स्ट्रक्चर। ये जो हमारा स्ट्रक्चर था ये मेज ग्रेन का था, मेज ग्रेन के सीड का ये स्ट्रक्चर था, और ये इसमें हम लोग डाइकोटाइलेडन सीड्स को समझने के लिए ग्राम सीड्स का स्ट्रक्चर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ग्राम सीड होता है इसमें भी हमारा बाहरी जो हमारा सराउंडिंग लेयर होता है दो, यानी कौन सा, सीड कोट का लेयर होता है उस, ये पाया जाएगा, और सीड कोट को मैंने आप लोगों को बताया कि इनर लेयर को टेगमेंट और आउटर लेयर को टेस्ला कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा टेस्ला होता है, ठीक है, आउटर लेयर जो हमारा टेस्ला है ये काफी हार्ड और थिक होता है। ठीक है, तो उतना हार्ड नहीं कि इसे हम लोग दबा के तोड़ नहीं सके। ठीक है, अगर कुछ सीड्स के हम लोग दबा के नहीं तोड़ पाते हैं तो उसमें जो टेस्ला होता है वो हार्ड होता है, और जो टेगमेन होता है वो थिन, यानी काफी पतला और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और अगर खासकर अगर बात की जाए ग्राम सीड की, तो ग्राम सीड्स में जो हमारे टेगमेन है और टेस्ला है ये दोनों फ्यूज होते हैं। यहाँ मैंने भले ही अलग दिखाया मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन ग्राम सीड्स में जो हमारा टेगमेन और टेस्ला है दोनों एक दूसरे से क्या, फ्यूज होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा ग्राम सीड्स है, ठीक है, वो जब ओव्यूल से अलग होता है, सॉरी, जब ओवरी से अलग होता है, मैंने आप लोग तो जानते ही होंगे, जिससे मैंने क्या बताया कि ओव्यूल ही सीड का निर्माण करता है, ओव्यूल जब मैच्योर हो जाता है तो सीड का निर्माण करता है, पहले क्या था, वो ओव्यूल था, तो ओव्यूल किससे जुड़ा हुआ रहता है, फ्यूनिकल से। ठीक है, तो जब ओव्यूल टूटता है फ्यूनिकल से तो वो एक धब्बा टाइप का स्ट्रक्चर टाइप का एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है वहां पे, जिसका नाम हम लोग देते हैं हाइलम। ठीक है, इसी हाइलम के अंदर एक स्मॉल पोर पाया जाता है, एक छोटा छिद्र पाया जाता है जिसका हम लोग नाम देते हैं माइक्रोपाइल, और इसी छोटे छिद्र माइक्रोपाइल के द्वारा ही हमारे कोटाइलेडन्स के अंदर H2O जाता है और ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, इसी माइक्रोपाइल के अंदर, और ये जो हमारा डाइकोटाइलेडन सीड है इसमें हमारा एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, यानी डाइकोटाइलेडन सीड का एक और नाम होगा हमारा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को कि इसमें जो फूड स्टोरेज का काम करता है वो एंडोस्पर्म करता है। अब क्योंकि इसमें तो एंडोस्पर्म है ही नहीं, तब बोलोगे इसमें एंडोस्पर्म ही नहीं है, इसमें कोई फूड स्टोर है ही नहीं है, जिसे हम लोग खाकर करेंगे क्या, तो नहीं, इसमें जो डाइकोटाइलेडन्स होते हैं ना इसी के अंदर हमारा फूड स्टोर होता है। ठीक है, जिसके कारण इसका डाइकोटाइलेडन जो होता है वो फ्लेसी हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोग देखते होंगे जब चना को, ठीक है, तो चना में एक स्मॉल छिद्र होता है, उसका नाम क्या, मैंने बताया आपको, माइक्रोपाइल, अगर हम उसे दो भागों में बांटते हैं तो पीला कलर का दिखाई देता है आपको। ठीक है, हल्का येलोइश व्हाइट होता है, तो वो जब दो भागों में बांटता है उसी को हम लोग कहेंगे क्या, कोटाइलेडन। ठीक है, उसी में हमारा फूड जो है वो स्टोर होता है, और हमारा जो
सॉरी क्या बताया, हाँ ये जो हमारा ग्राम सीट है उसके एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, ठीक है, एक रिज पाया जाता है, रिज पाया जाता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं क्या, राइफे, ठीक है। और ये जो हमारा इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जाएगा, ठीक, दोनों कोटाइलेडन्स के बीच में हमारा एक एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जाता है, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है जब वो बाहर निकल जाता है तो उसे हम लोग नाम देते हैं रेडिकल, और जो अंदर में रहता है, ठीक है, यानी दोनों जो कोटाइलेडन्स है उसके बीच में जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसका हम लोग नाम देते हैं प्लीम्यूल। और यही जो प्लीम्यूल है, जब हम लोग सीड को, इस डाइकोटाइलेडन सीड्स को जब हम लोग जर्मिनेट कराते हैं तो ये जो हमारा प्लीम्यूल है ये ग्रो करके सूट का निर्माण करता है, और ये जो रेडिकल है ये ग्रो करके रूट का निर्माण करता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि आपको इसमें एंडोस्पर्म नहीं पाए जाते हैं डाइकोटाइलेडन सीड्स में, लेकिन डाइकोटाइलेडन सीड्स में एक ऐसा भी सीड है जिसका नाम है हमारा कास्टर सीड्स। कास्टर सीड्स में ये डाइकोटाइलेडन तो होते ही है लेकिन इसमें एंडोस्पर्म भी पाया जाता है। जनरली जितने भी हमारे मोनोकोटाइलेडन सीड्स, सॉरी डाइकोटाइलेडन सीड्स होते हैं उसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है हमारा क्या, कास्टर सीड, ठीक है। और हमारे मोनोकोटाइलेडन सीड का एक्सेप्शन क्या था हमारा, ऑर्किड, ठीक है। तो हम लोगों ने मोनोकोटाइलेडन्स और डाइकोटाइलेडन सीड्स को जान लिया, और हाँ एक और बात, हम लोगों ने इसी मोनोकोटाइलेडन सीड्स को एंडोस्पर्म सीड्स भी कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड, और डाइकोटाइलेडन सीड्स को हम लोग नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग तीसरे सीड के बारे में जानेंगे जिसका नाम है हमारा पेरिस्पर्मिक सीड। ये क्या है, तो देखिए ये मान लिया जाए कि ओवरी है, ठीक है, ये हमारा प्लेसेंटा हुआ, ये फ्यूनिकल से हमारा ओव्यूल जुड़ा हुआ रहेगा। तो देखिए ये एक हमारा ओव्यूल है, किससे जुड़ा हुआ है हमारा, ये फ्यूनिकल से, यहाँ भी एक ओव्यूल है, ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है, फ्यूनिकल से, ये जो स्टॉक आप लोग देख रहे हैं ना इसी का हम लोग नाम देते हैं क्या, फ्यूनिकल। तो इसी ओव्यूल को भी देखिए मैंने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है, ठीक है, इसी ओव्यूल को हम लोगों ने यहाँ बड़ा करके दिखाया है। तो किसी भी जो सीड्स होते हैं हमारे, जितने भी सीड्स होते हैं उसमें हमारा फ्यूनिकल होगा ही, क्योंकि उसी से अटैच रहता है, और माइक्रोफाइल तो होगा ही जहां से वो हमारा H2O और ऑक्सीजन को जनरेट करेगा, ठीक है, हमारा आदान प्रदान होगा जहां से, और उसमें एक न्यूक्लियस नामक स्ट्रक्चर पाया जाता है। जितने भी हमारे ओव्यूल्स होते हैं ना सभी ओव्यूल्स में हमारा न्यूक्लियस नामक एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो ओव्यूल को न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व प्रदान करता है, ठीक है। और जैसे जैसे हमारा जो ओव्यूल है वो जब राइप होते जाता है, मैच्योर होते जाता है, तो ये न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, ठीक है, यानी कि सीड जब तक वो ओव्यूल जब सीड का निर्माण हो जाता है, ओव्यूल जब सीड बन जाता है तो उसमें न्यूक्लियस समाप्त हो जाता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ सीड्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी ओव्यूल से लेकर के जब तक वो सीड बन जाता है तब तक वो रहता है, सीड जब बन जाता है फिर भी रहता है उसमें न्यूक्लियस, उस प्रकार के सीड को हम लोग कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड, यानी पेरिस्पर्मिक सीड, ठीक है, पेरिस्पर्मिक सीड में हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग इसे पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। और ये एग्जाम में आपका आया है पेरिस्पर्मिक सीड और न्यूक्लियस, साफ साफ यही क्वेश्चन रहेगा, न्यूक्लियस जिसमें पाया जाता है उस सीड को हम लोग क्या कहते हैं, तो पेरिस्पर्मिक सीड। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा पेरिस्पर्मिक सीड में आ जाता है हमारा जैसे कास्टर सीड, ठीक है, कास्टर सीड जितने भी होते हैं हमारे उसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, या कॉफी, कॉफी की जो सीड्स होंगी उसमें भी हमारा न्यूक्लियस पाया जाएगा, और बीट, ठीक है, बीट में भी हमारा क्या, न्यूक्लियस पाया जाता है। और हाँ एक और बात की जाए, अगर बात की जाए सीड के स्टडी की, तो द स्टडी ऑफ सीड इज कॉल्ड स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी का मतलब ये नहीं कि स्पर्म का स्टडी होगा इसमें, ठीक है, स्पर्मोलॉजी हमारा सीड का स्टडी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सीड समाप्त होता है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फैमिली के बारे में।